दोस्तों, ये जो स्कूटर है हमारे पास, बोल्ट इलेक्ट्रिक के तरफ से आने वाला स्ट्रोम मॉडल। तो इस स्कूटर को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा है स्कूटर और इसमें क्या क्या फीचर्स वगैरह है, वो सब हम इस वीडियो में अब जानेंगे। सबसे पहले फ्रंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसके आगे क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, वोल्ट इलेक्ट्रिक की तरफ से जो कंपनी का नाम है वो देखने को मिल जाता है। और उसके साथ ही आगे ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है DRL मिल जाएगा। तो DRL क्या होता है, डेट टाइम रनिंग लाइट जो होती है, ये वो होती है दिन में। चाहे तो आप इसको दिन में भी ऑन रख सकते हैं, तो अगर ऑफ करना चाहे तो वो भी आप जो है कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ देखिए, नीचे भी आपको जो है DRL मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें जो है चार DRL है। और साथ ही DRL के साथ आपको यहाँ पर दो जो है हेडलाइट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और थोड़ा सा नीचे चले तो इसके टायर वगैरह की बात करें तो जो इसमें टायर है आपको सीएट कंपनी के तरफ से आने वाला जो है टायर मिल जाएगा। और जो ये टायर है 10 इंच के टायर है ये। और इसके साथ ये देखिए, ये जो है आपको अलॉय व्हील में मिल जाएगा, अलॉय व्हील है। और यहाँ पर अगर सस्पेंशन की बात करें तो ये जो है टेलीस्कोप सस्पेंशन आपको जो है इस स्कूटर में मिलेगा। और इस स्कूटर में जो है आपको मीटर जो मिलेगा, डिजिटल मीटर मिलेगा। तो इसको मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये स्पीड दिखाएगा, साथ में आपकी जो बैटरी कितनी चार्ज है वो देखने को मिलेगा। और ये स्कूटर कितना मतलब जो रन हो चुका है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये देखिए, ये जो है यहाँ पर आपको अगर इसको देखिए इंडिकेटर दबाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है इंडिकेटर का यहाँ पर भी जो है शो होगा कि आपने कौन सा वाला जो है इंडिकेटर यूज किया है। तो लेफ्ट वाला, अगर राइट वाला करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए लाइट जो है राइट वाले की भी आप यहाँ दिखेगी आपको। और इसमें देखिए, कंट्रोल की बात करें तो इसमें भी जो है आपको तीन ही जो है मोड मिलेंगे, 1, 2, 3। तो आप इसको जो है उसी हिसाब से चला सकते हैं। और ये आगे आपका जो मोड है लाइट्स के, अलग अलग जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको लाइट दिखा देता हूँ ऑन करके। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है हेडलाइट की यहाँ पर लाइट जल रही है और साथ में ये DRL की लाइट्स आप देख सकते हैं कैसे लग रही है। अगर इसको देखिए दबाएंगे एक बार, और इसको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन है, बटन दबाएं तो ये देखिए जो है आपका हेडलाइट अब ऑफ हो चुका है। तो अब जो है DRL ही है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर आपको एक जो है कैरी करने के लिए, सामान वगैरह कैरी करने के लिए एक हुक मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आप अपना सामान टांग सकते हैं और उसको इधर से उधर जो है लेके जाना हो तो लेके जा सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए सामान रखने के लिए जगह मिल जाएगी। और इसी के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पर जो है USB मतलब अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं, या जो भी USB से कुछ चार्ज करने चीज है तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, ये जो लेग स्पेस वगैरह है यहाँ पर अच्छा है, बढ़िया है। तो ये बिल्कुल लेग भी जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर जो सीधा रहता है। तो पीछे मैंने कुछ स्कूटर देखे, उन पे क्या होता है कि जो ये आपके घुटने हैं बिल्कुल ऊपर चले जाते, ऐसे हो जाते ऐसे, जब बंदा स्कूटर चलाता है तो अजीब सा दिखता है। पर ये थोड़ा ठीक है, सीधा सीधा है। तो नीचे पैर रखने के लिए भी बिल्कुल आरामदायक है, सही है, तो ठीक दिखता है। अब मिरर की बात करें, मिरर कैसा दिखता है इसमें, मिरर देख लेते हैं। तो मिरर की क्वालिटी भी इसकी ठीक लगती है। तो पीछे जो है, पीछे तक जो है साफ दिख रहा है, ठीक है, मिरर की क्वालिटी भी ठीक लग रही है इसमें। अगर देखिए, ये जो है अब इसके सीट के नीचे जो है आपको जगह मिल जाएगी सामान वगैरह रखने के लिए। तो इसको खोलने के लिए इधर आप चाबी वगैरह लगाने के लिए ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कहीं भी चाबी लगाने की जगह नहीं है, तो कहाँ से ये आप जो है खोल सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर इसको आपने हल्का सा जो है चाबी को घुमाना है, घुमाने पर ये देखिए आपको जो है यहाँ पर ये दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत साफ सुथरी जगह है, सामान वगैरह रखने के लिए स्पेस है यहाँ पर। और इसके साथ ही आपको जो है ये MC भी मिल जाएगा, अगर इसको ऑफ करना है पावर वगैरह ऑफ कर सकते हैं। जो इस स्कूटर में जो है आपकी जो बैटरी है इसके अंदर है, तो जो बैटरी है फिक्स्ड बैटरी है ये। अगर इस स्कूटर को आपने चार्ज करना है तो आपको देखिए यहाँ पर चार्ज लगा के जो है चार्ज कर सकते हैं। चार्ज लगाने के लिए
फुट रेस्ट देखिए, इसमें जो है पीछे बंदा बैठने के लिए यहाँ पर जो है अपना पैर रखेगा, फुट रेस्ट जो है इसमें फिक्स दिए हुए हैं। तो यहीं से दोनों तरफ ऐसे ही है, जो पीछे वाला टायर है पीछे भी आपको वही जो है 3.0010 मतलब जो 10 इंच के टायर है सीएट कंपनी के तरफ से आने वाला वही टायर मिल जाएगा इसमें भी। और देखिए टायर के साथ ही यहाँ पर जो है मोटर लगी होती है, जो ये मोटर है 1000 वाट की मोटर है इसमें भी। और इसके साथ देखिए ये जो स्प्रिंग वाले जो है सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं, जो कि अगर फ्रंट की बात करें तो उसमें जो है टेलीस्कोप सस्पेंशन है। और ये देखिए ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है पोल्यूशन फ्री व्हीकल है और जो है नॉइस फ्री व्हीकल है, तो इसको चलाने पे जो है कोई आवाज़ वगैरह नहीं आएगी, तो ये स्कूटर बहुत स्मूथली आराम से चलता है। अगर वारंटी की बात करें तो इस स्कूटर में जो है कितनी वारंटी मिलेगी, तो देखिए जैसे कि इसमें जो बैटरी लीड एसिड वाली बैटरी होती है उस बैटरी की वारंटी आपको जो है 1 साल की मिलेगी। अगर आप इस स्कूटर को लिथियम वेरिएंट में लेंगे, अगर लिथियम बैटरी वाला स्कूटर लेंगे तो 3 साल की वारंटी जो है आपको मिल जाएगा। देखिए ये जो स्कूटर है लो स्पीड स्कूटर है, तो इसकी स्पीड फिर भी आपको जो है 40-45 तक स्पीड इसकी चली जाती है। और इस स्कूटर को लेने के लिए आपको जब ले लेंगे तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने की भी ज़रूरत नहीं है, ना तो इसको चलाने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। ट्रोम मॉडल है, ये आपको 3 कलर में मिल जाएंगे। तो ये आपके सामने जो है वाइट कलर में आता है वो वाला है, तो आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और ये वाला है दूसरा कलर जो है सिल्वर कलर में, तो वही जो स्ट्रॉन्ग मॉडल है उसी का है, तो इसको भी देख सकते हैं। अगर आप कमेंट में लिख सकते हैं आपको जो है कौन सा अलग कलर जो है पसंद आया स्कूटर। और ये वाला तीसरा है, तो ये है तीसरा कलर ब्लैक कलर में, तो इसी की हमने जो है वीडियो भी बनाई है रिव्यू की, तो ये वाला कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखने को।